धौलपुर जिले में भगवान परशुराम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम तरीके से मनाया गया। परशुराम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा त्रिदिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। महोत्सव के प्रथम दिन विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के युवाओं ने 87 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में SDM भारती भारद्वाज ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। दूसरे दिन महिलाओं को समर्पित करते हुए द वुमेन पावर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं प्रशिक्षण आयोजित किए गए। महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों में डटकर सामना करने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। ऐसी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं अथवा उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों जैसे सिलाई बुनाई आदि के लिए प्रेरित किया गया। द वुमेन पावर कार्यक्रम की संयोजक ऋचा शर्मा द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। गोलगप्पे खाओ प्रतियोगिता में कल्पना शर्मा, म्यूजिकल चेयर रेस में अर्चना शर्मा, पेपर डांस प्रतियोगिता में संजना शर्मा, रक्षिता भारद्वाज, मेहंदी प्रतियोगिता में मधुलता शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का भव्य तरीके से जन्म उत्सव मनाया गया। वैदिक मंत्र उच्चारण एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। शाम को महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया। आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर विप्र फाउंडेशन धौलपुर इकाई द्वारा एक महाआरती का आयोजन जो है अपने परशुराम मंदिर पंचायत समिति प्रांगण में किया गया, जिसमें विप्र फाउंडेशन की महिला इकाई और विप्र फाउंडेशन की मूल इकाई दोनों सम्मिलित रहे। बहुत ही शोभनीय कार्यक्रम रहा। चरणों में नमन और भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में नमन। आज श्री भगवान परशुराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमने SN कॉलेज परिसर में आज वुमेन्स पावर का कार्यक्रम विप्र फाउंडेशन की ओर से रखा है। यह कार्यक्रम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें वुमेन्स औरतों के साथ साथ अपनी जो युवा लड़कियां हैं वो भी और घर से और महिलाएं और छोटी छोटी लड़कियां सभी निकल के आई। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई। वैसे तो हम सभी जगह मिलते हैं, पर यहाँ आके तो हमने बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खुद ने ही सारी व्यवस्थाएं खुद ने ही संभाली, उसके अलावा मैं पार्टिसिपेट भी खुद ने ही किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि विप्र फाउंडेशन और भी आगे ऐसे कई वुमेन्स के लिए कार्यक्रम चलाए जिसमें हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और हम उत्साह से इन चीज़ों में भाग ले सकें। मैं विप्र फाउंडेशन का तहे दिल से